बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हम रिजल्ट जिहाद चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें जिहाद का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिहाद अकबर किसे कहते हैं, तफसील से बताएं। सवाल की नौईयत को समझें। जिहाद अकबर, जिहाद किसे कहते हैं और अकबर जिहाद, बड़ा जिहाद किसे कहते हैं। फिर आगे उन्होंने कह दिया जी तफसीलन बहस करें, इस पर तफसील से बताएं। तो हम कुछ जिहाद की किस्में यहाँ पर पढ़ेंगे, उस पर फिर बहस करेंगे और एट दी एंड कंक्लूजन निकालेंगे, खुलासा बहस का हासिले कलाम निकालेंगे कि जिहाद अकबर कौन सा है। जिहाद के लौकिक माना, जिहाद का लफ्ज जिहद से निकला है जिसके माना मेहनत और कोशिश के हैं। इस्तलाही माना, इस्तलाह शरीयत में दीन में हक की सरबुलंदी के लिए, इसकी इशात और हिफाजत के लिए, इशात फैलाने के लिए हर किस्म की कोशिश, कुर्बानी, एहसार करना, अपनी दिमागी माली कुव्वतों को अल्लाह तबारक व ताला की राह में सर्फ करना, खर्च करना, यानी कि दीन हक की सरबुलंदी के लिए, इसको फैलाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसकी तबलीग के लिए, इसकी प्रीच के लिए, इसको आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी करना, यहाँ तक कि अपने अहलो अयाल अजीज़ो कारिब खानदान और कौम की जाने कुर्बान कर देना, हक की हक के दुश्मनों की तदाबीर को नाकाम बनाना, उनके हमलों को रोकना, रोकने के लिए अगर हमें मैदानी जंग में उनसे लड़ना पड़े तो उससे भी दरेग ना करना, उससे भी पीछे ना हटना, यानी अल्लाह ताला के मुकाबले में किसी दूसरे का हुक्म ना चलने देना, ख्वाह इसके लिए जान भी कुर्बान करना पड़े, यही जिहाद है। जिहाद का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरतुल फुरकान में जिहाद बिल इल्म को जिहादन कबीरन कहा, यानी अल्लाह के नज़दीक दुनिया से जहालत को ख़त्म कर देना, कर देने को जिहाद अकबर कहा है। बाज़ उलमा की राय में जिहाद की सबसे आला किस्म अब खुद अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना है। नफ्स कह रहा है झूठ बोलो, झूठ नहीं बोला। नफ्स कह रहा है नमाज नहीं पढ़नी, नमाज पढ़नी। नफ्स के खिलाफ, नफ्स कह रहा है लोगों को साथ बुरा भला बर्ताव करो, नफ्स कह रहा है हुस्ने सलूक की बजाय बद सलूकी की जाए, तो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना भी जिहाद अकबर है। बाद सही हदीस में इसी मफहूम की ताईद होती है। ये याद रखिए कि बाद जो सही हदीस है उसमें भी इसी मफहूम की ताईद होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जंग से वापस आए और सहाबा काम को फरमाया, आओ मेरे सहाबा छोटे जहाज से बड़े जहाज की तरफ चले। सहाबा ने या रसूलल्लाह इतने लोगों को वासिले जहन्नम किया, कुफार को कत्ल किया, जानों के नजराने दिए, ये छोटा जहाज था, बड़ा जहाज कौन सा है। फरमाया बड़ा जहाज अपनी नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जहाज करता है। जिहाद अकबर से मुराद सबसे बड़ा जहाज, ये जिहाद की सबसे आला किस्म है। कौन सा जिहाद? जिहाद अकबर है। इसमें उलमा कराम का इख्तलाफ है, यानी कुछ कोई कहते हैं, कुछ कोई कहते हैं। हम जेल में जायजा लेंगे कि जिहाद की किस किस्म को जिहाद अकबर कहा जाए। तो मेरी कोशिश होती है बेटा कि आपकी जो वीडियो है ना वो 4 से 5 मिनट के दरमियान रहे, तो जो जेल में हम अगली पार्ट 2 की वीडियो में इसको जिहाद के जो दूसरे फर्दर टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कंक्लूजन पर भी पहुंच जाएंगे।